सो गाइज मैं बता दूं कि माय हीरो एकेडमी का जो सीजन 4 है वो कैंसिल हो सकता है या फिर डिले हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो कि पिछले सैटरडे भी कोई नया एपिसोड रिलीज नहीं हुआ था और आई डोंट थिंक कि आगे कुछ टाइम तक होने वाले हैं। तो देखो यार ये जो न्यूज है ये ऑफिशियल्स ने कन्फर्म करी हुई है और आप इसको गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ एक पूरे आर्टिकल का, आप वो आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं उस पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो दरअसल जापान में इस वक्त एक टाइफून आया हुआ है जिससे जापान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोगों को उनका घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है और इसका इफेक्ट एनिमे पे और भी पड़ रहा है। सो इसी वजह से माय हीरो एकेडमी का सीजन 4 का प्रीमियम रुक गया है जापान में और इसका इफेक्ट दूसरे ऑनगोइंग एनिमे पर भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार ये सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाए और ये लोग इस चीज से रिकवर कर पाए, क्योंकि देखो यार किसी की जान से बड़ा एनिमे नहीं होता है। तो आई होप ये सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। और एक रूमर है जो तुम लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो दरअसल तुमने नोटिस करा होगा पिछले सैटरडे कोई भी नया एपिसोड नहीं आया था। तो देखो यार अगर नेक्स्ट सैटरडे यानी कि 12 तारीख को अगर नया एपिसोड आ जाता तो शायद ये सीरीज कंटिन्यू रह सकती है, वरना ये लोग एक दो महीने डिले हो सकते हैं और हम लोगों को बहुत ही लंबा वेट करना पड़ सकता है। सो यार इस न्यूज़ को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने मतलब एनिमे ओताकू उस पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, सब जगह शेयर करो। और अगर मेरे को इससे रिलेटेड कोई भी नई न्यूज़ मिलती है तो मैं तुम लोगों से जल्द शेयर कर दूंगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।